चलते ग्वालियर की, जहां आज होने वाला है महा मुकाबला। 14 साल का सूखा आज ग्वालियर का खत्म होगा, क्रिकेट प्रेमियों का इंतजार आज खत्म होगा। माधव राव सिंधिया स्टेडियम जो कि इंटरनेशनल स्टेडियम है, यहां पर आज भारत और बांग्लादेश के बीच शाम ठीक 7 बजे से T20 मैच की शुरुआत होगी और मैच के चलते सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। शहर के कई जगहों पर ट्रैफिक डाइवर्ट है, कई जगहों पर ट्रैफिक को रोक दिया गया। आपको बता दें कि मैच के पहले भारत के ऑलराउंडर शिवम दुबे इंजर्ड होकर सीरीज से बाहर भी हो गए, तो ये भारत के लिए एक बुरी खबर भी है कि शिवम दुबे फिलहाल इस मुकाबले में आपको नजर नहीं आएंगे और उनकी जगह पर बैटर तिलक वर्मा को टीम में शामिल किया गया है। तो आज 6 अक्टूबर का दिन जिसका इंतजार ग्वालियर की जनता, पूरे मध्य प्रदेश की जनता कर रही थी, आज महामुकाबला होना है भारत और बांग्लादेश के बीच T20 का यह मुकाबला। और 14 साल के बाद ग्वालियर का स्टेडियम किसी इंटरनेशनल मैच का गवाह बनने जा रहा है।